नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गुरुटिक पटेल और आप देख रहे हैं मेरे चैनल फ्लाइंग विथ PNG। तो वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले देख लीजिए चैनल का इंट्रो। जैसे कि आपने वीडियो के थंबनेल पे देखा ही होगा, उसी तरह आज के वीडियो का टॉपिक है हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एयरलाइंस। तो जब भी हम एयरपोर्ट और प्लेन की करियर के बारे में सोचते हैं, तब हमारे दिमाग में ये आता है कि जो हम प्लेन देखते हैं उनकी जो एयरलाइन होती है वो कितने प्रकार की होती है। तो आज के इस वीडियो में हम कितने प्रकार की एयरलाइंस होती है और उनमें आप किस तरह से अपनी जॉब करेक्ट कर सकते हो उसके बारे में ही बात करेंगे। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना। मेनली एयरलाइन के चार प्रकार होते हैं। पहला है शेड्यूल्ड एयरलाइंस, दूसरा है रीजनल एयरलाइंस, तीसरा है चार्टर एयरलाइंस और चौथा है कार्गो एयरलाइंस। शेड्यूल्ड एयरलाइंस की बात करें तो ये वो एयरलाइन होती है जिनका शेड्यूल फ्लाइंग का फिक्स रहता है, जैसे कि इस पायलट को इस एयरपोर्ट से इस एयरपोर्ट तक इस दिन को फ्लाइट को ले जाना है। तो ये इनका शेड्यूल हुआ, वो एक हफ्ते का भी हो सकता है, 2 हफ्ते का भी हो सकता है, 1 महीने या फिर 1 साल का भी फिक्स होता है। हमारे भारत में मुख्यतः सबका 1 महीने का ही शेड्यूल फिक्स होता है। और ये एयरलाइनें बड़ी होती हैं जिनके पास विमान की संख्या भी ज़्यादा होती है। भारत के शेड्यूल एयरलाइंस कौन सी है तो उसके बारे में आपको दिखाता हूँ। एयर इंडिया, एयर इंडिया एक्सप्रेस, स्पाइस जेट, इंडिगो, एयर विस्तारा, जेट एयरवेज जो पहले थी लेकिन उसके बारे में न्यूज़ है कि वो फिर से अपनी फ्लाइंग शुरू करेगी, एयर एशिया, गो एयर। रीजनल एयरलाइन की बात करें तो ये एयरलाइन छोटी होती है, उनके पास प्लेन की संख्या भी कम होती है। रीजनल जैसे उनके नाम में ही है, उसी प्रकार एक देश या 2-3 देश के अंदर अंदर वो एक से ज़्यादा ज़्यादा से ज़्यादा 5 रीजन को जोड़ती है ऐसी एयरलाइन, जिसे रीजनल एयरलाइन कहा जाता है। हमारे भारत में कौन कौन सी रीजनल एयरलाइंस है? एयरलाइंस एयर, ट्रू जेट, स्टार एयर, जूम एयर, एयर डेक्कन, एयर हेरिटेज, सुप्रीम एयरलाइंस, ये सभी कुछ रीजनल एयरलाइंस है। अब बात करते हैं चार्टर एयरलाइंस। चार्टर एयरलाइंस को नॉन शेड्यूल फ्लाइट भी कहा जाता है। इन एयरलाइंस के फ़्लाइट का कोई शेड्यूल नहीं होता, जैसे कि इनका यूज़ कौन करता है? बड़े बड़े बिजनेसमैन हो, क्रिकेटर है, कोई स्टार सुपरस्टार है, एक्टर एक्ट्रेस है, वो सब, या फिर कोई देश का बड़ा पॉलिटिशियन है, वो सब इन चार्टर एयरलाइंस के थ्रू ट्रैवलिंग करते हैं। इन चार्टर एयरलाइंस का कोई शेड्यूल नहीं होता, जैसे कि मान लो अभी जाना है तो जिसको वो अवेलेबल होगा तो वो अभी ले जाएगा, ऐसे इसको चार्टर एयरलाइन यानी कि नॉन शेड्यूल एयरलाइन कहा जाता है। हमारे भारत में कौन कौन सी चार्टर एयरलाइंस है? तो डेक्कन एयरलाइंस है, जैक्सन एयरलाइंस है, टाइटन एयरलाइंस है, सुप्रीम एयरलाइंस, पवन हंस एयरलाइंस, डव एयरलाइंस, इस प्रकार की कई सारी चार्टर्ड एयरलाइंस हमारे भारत में अवेलेबल है। चौथे और आखिरी टाइप की बात करें तो वो है कार्गो एयरलाइंस। कार्गो एयरलाइंस के बारे में आपको थोड़ा सा ही नॉलेज तो होगा ही कि कार्गो एयरलाइंस सामान को एक जगह से दूसरी जगह ले जाता है, नहीं कि यात्रियों को। कार्गो एयरलाइंस हमारे भारत में कौन कौन से हैं? तो सबसे पहला नाम आता है ब्लू डार्ट, जिसका कार्गो नेटवर्क सबसे बड़ा है। उसके बाद है स्पाइस एक्सप्रेस, जो कि स्पाइस जेट का ही हिस्सा है। उसके बाद है एयर इंडिया, वो भी कार्गो करता है। उसके बाद एक और क्विक जेट, क्विक जेट भी एक ऐसा सेपरेटली कार्गो का ही एयरलाइन है। अब हमारे भारत में तो देख लिया, तो कार्गो एयरलाइंस बाहर के जो फॉरेन के भी है वो ज़्यादा फेमस है, वो है DHL, KLM और FedEx, इस प्रकार के कई सारे कार्गो एयरलाइंस भी अवेलेबल हैं। लास्ट में एक बात,
आप इन सारी एयरलाइंस में अगर जॉब लेना चाहते हो, आप उसमें करियर बनाना चाहते हो, तो सारी एयरलाइन के जो नाम होते हैं उनके नाम के ही आप गूगल पे जाके सर्च कर सकते हैं, उनके ऑफिशियल साइट पर, उसमें जाके करियर पेज देखिए और वहाँ पे उनकी जॉब वैकेंसीज निकली हुई होगी और आप उनके कांटेक्ट कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में मैंने आपको एयरलाइंस के कितने टाइप होते हैं उनके बारे में सारी जानकारियाँ मैंने आपको दे दी है। अगर कोई भी आपको डाउट हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पे भी मुझे DM कर सकते हो, या फिर मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हो, और या फिर दूसरा ऑप्शन है फेसबुक। मुझसे कांटेक्ट करने के लिए सारी जानकारी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, आपके दोस्तों को भी शेयर कीजिए ताकि उनके भी जानकारी मिल पाए। आप नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जय हिंद।